अभी मॉर्निंग हो चुकी है और ये पी रही है चाय। और ये क्यों इतनी जल्दी जल्दी चाय पी रही है, इसका कारण ये है, इसको जाना है अपने ऑफिस। इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में है, तो ये जा रही है अपने ऑफिस में। न्यूयॉर्क में नहीं है, जर्सी सिटी में। जर्सी सिटी में इसका ऑफिस। उनको न्यूयॉर्क से भी क्या फर्क, उनको जर्सी सिटी, समझिए। इसका ऑफिस जर्सी सिटी में है और ये जा रही है। और मैं फिलहाल सबके लिए थोड़ा नाश्ता बनाती पूरी खिलाने की कोशिश कर रही है। तो ये खा नहीं रही है, इसको मैंने कहा कि पूरी खा ले, पूरी को मैं तो नहीं खाऊंगी। फिर इसको मैंने चाय दी कि तू ले जा, देसी रस और चाय। पूरी नहीं खा रही है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, चल नहीं चाहिए यहाँ पूरी। और ये देखिए आलू की सब्जी हमने बनाई है सुबह उठ के जल्दी, छोटे वाले जो आलू होते हैं। और बच्चों का नाश्ता रेडी करते हैं और आपसे मिलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा आता है। कल का ब्लॉग तो मैं बना नहीं पाई, तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। कल हम थोड़े बिजी थे, तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके, गणपति बप्पा मोरिया जय माता दी। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं स्कूल और बस जाते हैं काम करने। और कल मैं जैकेट लेके आई थी तो बहुत गर्मी थी, और आज जैकेट नहीं लेके आई हूँ तो बहुत ठंडा है। मेरे साथ लाइफ में ऐसा क्यों होता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। और बस मौसम की जानकारी दे दी जाए तो मौसम ठंडा काफ़ी है, और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। अगर आपको लग रहा है कि मैं भाग क्यों रही हूँ, तो रीज़न ये है, तो गलती से मेरे फ़ोन से मेरी गाड़ी की जो ट्रंक है, डिक्की जिसको बोलते हैं, वो खुल गया है। और मुझे आता नहीं कि मैं अपने फ़ोन से बंद कैसे करूँ। फ़ोन पॉकेट में था और ट्रंक खुल गया, और आपको दिखाते हैं खुला हुआ और उसको बंद करने जाते हैं। मैंने सब कुछ सीख लिया बट ये नहीं पता कि वो कैसे करते हैं, तो फिलहाल आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, ये रही मेरी गाड़ी इधर पार्क है, और फ़ोन से वो अपने आप खुल गया। आई डोंट नो, आई हैव टू लर्न दिस ऑल्सो कि इसको बंद कैसे करते हैं भाई। और ट्रंक में हमारा सामान भी है, तो फिलहाल इसको बंद करते हैं। ये लीजिए, अब निकलते हैं। मेरी मॉर्निंग बहुत बिजी थी और अभी भी बिजी है। आई डोंट नो कैसा दिन जाएगा मेरा आज, बट चलिए अभी मैं जा रही हूँ क्लास में वापस और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैं दोबारा आई हूँ अपना स्वेटर लेने, क्योंकि कल जब मैं स्वेटर पहन के आई थी तो गर्मी थी, और मुझे लगा था आज भी वेदर गर्म होगा क्योंकि वेदर ऐसे दिखा रहा था, पर आज वेदर ठंडा हो गया। तो मैं वापस अपना स्वेटर लेने आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यू जर्सी में आप कुछ भी बिलीव कर लो पर वेदर पर कभी ट्रस्ट मत करना। तो फिलहाल स्वेटर लेते हैं और निकलते हैं क्लास के लिए। तो गाइस अभी मेरा ब्रेक है और खाना आना हो चुका है, और आज मैं वॉक पे नहीं गई। मैंने आपको बताया क्यों, मैं बताती हूँ आपको क्यों। ये देखिए मैं ना स्लीपर्स पहन के आ चुकी हूँ, मतलब फ्लिप फ्लॉप काइंड ऑफ थिंग, और मुझे वो नहीं पहननी चाहिए थी। मुझे लगा आज वेदर अच्छा होगा तो ठीक रहेगा, पर वेदर ठंडा हो गया, इस वजह से अब मैं वॉक पे नहीं जाऊँगी। और मेरे पैरों में लग रही है ठंड, इस वजह से मैं गाड़ी में बैठी हूँ। आपने देखा मेरी बहन आई हुई है, तो उसके साथ अभी ज़्यादा घूम नहीं पा रही हूँ। बट हाँ, मैं कल मैंने छुट्टी ली हुई है, तो आप देखोगे कल से मैं दो दिन जो भी उसके साथ हूँ थोड़ा बहुत घूमेंगे, उसको लेके जाना एक दो जगह जहाँ उसको घूमना है, तो आप वो भी देखोगे हमारे साथ। क्योंकि अभी बीच में वीकडेज उसका भी बिजी है, मेरा भी बिजी है, वो भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रही हूँ, काम के बीच घूमना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, मैंने जो छुट्टी ली हुई है, मैं ये सोचूँ कि कल और परसों उसको थोड़ा घुमाएंगे, क्योंकि फ्राइडे वो चली जाएगी। फिलहाल मैं आपको जब तक ये कर रही हूँ, जब तक मैं वापस जा रही हूँ अपने स्कूल की तरफ, आपको दिखाती हूँ कि कल मेरे बच्चों ने एक बॉक्स लाए थे वॉफल बनाने वाला, तो वो जो बॉक्स था वो किसी से खुल ही नहीं रहा था। आई थिंक पहला ऐसा बॉक्स है जो खुल ही नहीं रहा था, मैंने इसने हमने कोई कॉम्पिटिशन किया तो। बट आप देखिए कि वो जो एक क्लिप है जो मैंने कल रिकॉर्ड करी थी, कल तो ब्लॉग नहीं बनाया था बट कल क्लिप रिकॉर्ड करी थी, वो क्लिप मैं अभी डाल रही हूँ। और आप देखिए कि हमने उस बॉक्स को खोलने में कितनी मशक्कत करी है, कितनी मेहनत करी। फिलहाल जब तक आप ये क्लिप देखिए, मैं जाती हूँ काम पे, आती हूँ वापस और आपसे मिलती हूँ। चलो ये देखिए डब्बे को ऐसे, वो कितनी काउंटिंग हो रही है, 23, 22, 21, डब्बा खोलने में इतनी मेहनत। पकड़ो इसको, ला मैं करूँ। You can't do it either. I'll get $5. कितने दोगे? $5 if you get it. 30 seconds. एक सेकंड रुक जाओ. You won't get it. अगर मैंने कर दिया तो? $5. I have it in my phone. $30. $5 देना चलो. $29. $30. Alexa, नहीं. I can count. $30, $29, $28, $27, $26, $25. You can't rip it, lady. $24, $23, $22, $21, $20, $19, $18, $17, $16, $15, $14, $13, $12, $11, $10, $9, $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1.
0. Okay, I'll give you $5. You can't break it. I'll give you $5. 30 seconds. 30, 29, 28. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Four, three, two, one. अब हम दोनों मिलकर करेंगे तो देखिए अगर दोनों करें नहीं तो तो इसको करो ना. You want to split $5? $9 ले लेंगे. One, two. नहीं नहीं वो फट जाएगा. करना. You have to break the ball. किसने बॉक्स बना दिया यार? Did it so you can't return it anymore. Word. No, they returned it, bro. You can tell. One. It won't work, bro. I swear, it just stuck there. इधर से पकड़ इधर से ये जो पूरी पैकेट फट गई. पैकेट ही पैकेट तो डब्बा ही फट गया तो पैकेट में जाके क्या करेंगे जो नहीं कैन रिटर्न. तार पकड़. ऐसा कर दे ना. Oh man. प्लीज क्या पैकिंग है तो तू ही करवाई. You already ripped it. ये ले हो गया. You ripped it. हो गया. गिर गई. I told you you couldn't break it. You're not getting $5. तूने जिंदगी में आके जिंदगी में इसने इतने खाने बना दिए ना. क्या बनाया मैंने? उन्हें अंडा बनाया. उन्हें चावल बनाया. जो देखो आते नहीं है. अंडा मैं खाती नहीं, मुर्गों को छोड़ दिया. चावल बड़े अच्छे थे. वेरी गुड वेरी गुड. बेटा देख मेरे घर में खाने का एक ही रूल है, खाना है तो यही खाना है और नहीं खाना है तो भी यही खाना. चोर बनाना आते नहीं, नहीं तो ऑर्डर दे. तो गाइस बस अब निकल गई हूँ मैं घर के लिए और आज का दिन मेरा जितना बिजी है, मतलब आई थिंक आगे के दिन इतने शायद बिजी नहीं होंगे, बट आज बहुत बिजी है. मेरी जॉब थी, उसके बाद एक घंटा मुझे किसी को कवर करना था बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट हियर. तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए कवर करूँ. अब उसके बाद मैं जा रही हूँ घर. ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गया, 4 बजे हैं. घर जाके पहले सबको खाना देते हैं और उसके बाद टिया का फोन आ जाएगा. जैसे मैं खाना या चाय बना के रखूंगी टिया को पिक करना है. उसके बाद मेरी जॉब है, तो मतलब द मोमेंट आई ड्रिंक माई टी आई हैव अनदर जॉब टू गो. तो आज का दिन बहुत बिजी है भाई. तो बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम खत्म करूँ और रात में रिलैक्स करूँ. तो फिलहाल आप देखते रहिए मेरी भागा दौड़, पहुँचते हैं घर और आपसे मिलते हैं. तो गाइस घर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने खाना रेडी कर दिया और नित्या बना रही है अपने लिए वॉफल. तो गाइस मैं खाना दे के तुरंत आ चुकी हूँ अब टिया को लेने, क्योंकि टिया का कॉल आ गया. मैंने आपको बताया था कि मैं घर जाऊँगी और मुझे घर से पहुँचूंगी. अभी मैंने चाय भी नहीं पी है तो आप इमेजिन कर सकते हो, ऑलमोस्ट 4:35 हो चुका है. अब मुझे टिया को पिक करना है. टिया को पिक करने के बाद आऊंगी, तब चाय बनाऊंगी, टिया को कुछ खाने को दूंगी, उसके बाद रेडी होंगी, उसके बाद जाऊंगी काम पे. उसके बाद आने के तुरंत बाद मुझे बर्तन वर्तन कर. आज का दिन तो भाई जितना बिजी मेरा आज का दिन है, पहले इतना कभी दिन बिजी नहीं था. बट हाँ मुझे लग रहा है कि अब जो मैं आज थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ तो कल और परसों नर्सों इतना बिजी नहीं होंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट बिकॉज थर्सडे फ्राइडे मेरी स्कूल की छुट्टी है और कल मैंने हाफ डे लिया है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि भैया कल सिर्फ आधे दिन की छुट्टी है तो कल काफ़ी टाइम मुझे मिल जाएगा. शिन्नी को बच्चे को जगह जाना है, मेरी कज़न को तो उसको भी घुमा के लेके आना. तो ये सब सारे काम हम कल करेंगे. आज मुझे लग रहा है चल मेहनत कर लो मेहनत कर लो मेहनत कर लो और मेहनत का फल मीठा होता है वो जो हमें 3 दिन मिलेगा अगले. तो फिलहाल चलिए टिया को लेके टिया को पहुंचते हैं लेने के लिए और आपसे मिलते हैं. तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ और टिया को पीनी है कॉफी. वैसे वो ज्यादा कॉफी नहीं पीती बट उसने कहा था मुझे बाहर से बोबा दिला दो, मैंने मना कर दिया. टुडे इज नेशनल बोबा डे गाइस. तो ये हम बनाने जा रहे हैं कॉफी. मैंने पास इतने दिनों से रखा, मैंने इसको यूज नहीं किया. तो जस्ट सी, आई डोंट थिंक इट्स चार्ज. इट्स वेरी हैंडी एक्चुअली. इट्स नॉट चार्ज्ड. दे हैव अ प्लग इन. Yes, it's yeah, a charger. Wait. My God. I have this box. I was about to throw this box. Charge karte hain. Obviously. I thought you already charged it. No, it's a plug-in. You don't have to charge. She's so done. Just to plug it. You know, I think it's also charged. No, guys. It's portable. It has to be charged, guys. Guys? Tum bhi guys bol rahe ho. Read it. Aaj mere kitchen ki halat mat dekho, fir se kharab ho gayi hai. क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं है, आके करूंगी. Look, it says rechargeable, guys. Rechargeable है. But you could also use your phone. You could use your phone charger to charge this. थोड़ा zoom करिए देखिए. Oh, she did not eat that up. Guys, अब हम इसको बनाने जा रहे हैं. You have to let it charge.
तब होगा या इसको कहते हैं फिर से पोपट हो जाना, तो आई थिंक इसको 2 मिनट चार्ज करते हैं, 2 मिनट बाद तब तक चैट हो जाएगा। पोपट तो ये सब, मेरा खाना भी रेडी हो चुका है, रोटी ठंडी हो गई है बिल्कुल, अब ये खाते हैं और चाय पीते हैं क्योंकि सुबह से अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। फिलहाल मैं सुबह पुलाव ले गई थी जो रात के लेफ्ट ओवर थे, और अभी चाय पीते हैं क्योंकि आज और इसी में बस 25-26 मिनट है, उसके बाद मुझे निकलना है। बस यूं गई और यूं आती हूँ। तो गाइस मैंने खाना वगैरह खाया और अभी आप देख सकते हो मैं रेडी होके वापस आ गई हूँ। रेडी होने तक का भी टाइम नहीं मिला, मतलब आज गिनती के मुझे 15-20 मिनट मिले होंगे, दैट्स इट। पूरा दिन में सिर्फ 20 मिनट बैठी हूँ, और अभी आने के बाद मुझे बर्तन वगैरह भी करने, बहुत सारे काम है, तो ये भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट ठीक है यार, मुझे अपने काम से कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई लव माई वर्क। हाँ, थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, बट इट्स ओके। कई बार ज्यादा टाइम मिल पाता है, कहीं कम, बट ये सब चीजें हमें सिखाती हैं टाइम मैनेजमेंट, लाइफ में बिजी रहना, कुछ करते रहना, और अपने आप को मोटिवेट रखना, और कभी भी चीजों से हार नहीं मानना। और मैं जब कभी दिमाग में सोच लेती हूँ आई थिंक आदमी यहाँ से हारता है, तो यहाँ से नहीं आना चाहिए। फिलहाल चलिए निकलते हैं बाहर की तरफ, और ऑलरेडी मैं आ चुकी हूँ गाड़ी में, और वेदर अच्छा ही है आप देख सकते हैं। तो गाइज थरते मरते कुड़ते कुड़ते अब हम पहुंच चुके हैं काम पे। अब पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, इस थकावट को क्या नाम देंगे। आदमी कहते हैं ना, सुबह पूरे दिन गधों की तरह काम करके आप गधे बन चुके हैं। पर गधा बनना कोई गलत बात नहीं है, गधे बेचारे बहुत बोझ उठाते हैं, जो हमने भी उठाया हुआ है। गधा बनना अच्छी बात है, गधे उनसे अच्छे हैं जो कोई काम नहीं करते, तो उससे अच्छा आप गधा बनिए। फिलहाल मेरा आप देख सकते हैं जहाँ मुझे जाना आ चुका है, जहाँ मैं काम करती हूँ, जॉब करती हूँ, वहाँ बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। मेरी ज़िंदगी मुझे लगता है बच्चों से शुरू होकर बच्चों पर ही ख़त्म हो जाती है, तो फिलहाल अच्छी बात है, इसीलिए शायद मेरा बचपना नहीं जा रहा। अब जाते हैं अंदर, काम करते हैं और मिलते हैं आपसे, जब तक मैं आऊँगी तब तक अंधेरा हो गया होगा। गाइस लुक एट दिस बाइक, अमेजिंग बाइक माई, सो प्रिटी, लुक एट दैट, व्हाट अ कूल बाइक। यहाँ पहुँच चुकी थी मैं अपनी क्लास में, और आप देख सकते हैं ये है मेरी क्लास जहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में सिखाती हूँ। क्लास खत्म हो चुकी है और अब मैं जल्दी से भाग रही हूँ, थोड़ा सामान लेना है मुझे ग्रोसरी स्टोर से। आई होप आई कैन मेक इट। आपको पता है मैं हमेशा की तरह हमेशा लेट हो जाती हूँ, 8 बजे बंद हो जाता है, वहाँ जाना है। तो आप देख सकते हो ये फिर से दुकानें बंद हो रही हैं मेरे सामने, ऐसे ही होता है। लकली अभी खिड़कियाँ नहीं बंद हुई हैं, बट सामान सारा गायब हो चुका है। फिलहाल लेते हैं सब्जी एंड देन निकलते हैं। तो गाइस मरते खड़ते थड़ते आप देख लीजिए, USA की लाइफ ये है, झोरा उठाओ और काम पे करो। जितनी लग्जरी दिखती है उतनी मेहनत भरी लाइफ भी है यहाँ पे। तो जो लोग भी अगर बाहर आना चाहते हैं तो याद रखिए इस मेहनत के लिए भी तैयार रहिए। माँ बाप हमेशा कहते हैं अपने कंधों पर बोझ लेके चलो, और वही हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं आप देख लीजिए, और हमने जिम्मेदारियाँ उठा ली है। इसकी ये लाइफ है और इसके लिए रेडी रहिए। और USA की ये रियलिटी है कि अगर आप सोचो कि सिर्फ लग्जरी है सब कुछ है, नहीं भाई, इनफैक्ट आपको सब कुछ करने के बाद भी ये सब करना पड़ता है। और ये नहीं है कि आज का हिस्सा, आधे हिस्से मैं आपको रोज़ दिखाती नहीं हूँ, बट ये आपको डेली लाइफ का हिस्सा है। डेली लाइफ में सिर्फ घूमना फिरना गाड़ियों में मज़े करना नहीं है, नौकरी घर पानी सब्जी खाना पीना बर्तन करना ये सब भी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो आपको बता रही हूँ क्योंकि हर किसी को ये दिखता नहीं है, हर किसी को सिर्फ पॉजिटिव दिखता है, नेगेटिव्स भी दिखाने बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं निकलती हूँ शिन्नी को लेने, और ये बन चुका है खाना जिसमें मैंने बनाया है सांभर डोसा चटनी। 9:25 हो चुके हैं और तब से मैं किचन में लगी हुई हूँ, ये हालत हो चुकी है आज मेरी कि मैंने कपड़े तक चेंज नहीं किया, आई हूँ बस एप्रन पहना, उसके बाद शिन्नी को लेने जाना है, उसकी ट्रेन मिस हो गई थी तो उसको लेट आ रही है, तो बस जल्दी से खाना खिलाते हैं और भागते हैं। भाई हेलो, मैं ही हूँ तुम्हारी बहन। भाई हम इसी स्टेशन पे आ गए इसको पिक करने के लिए, तुम पहचान ही नहीं हो, कैमरे के सामने फिर मीडिया आ गई आपके सामने। हाय शिल्पा, 10 बजे मीडिया आ गई, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेगी। पापा राजी बोलते हैं ना, पापा राजी, मम्मा राजी, पापा राजी। थैंक यू फॉर कमिंग। अरे कैसी बात, खाना खाया तो नहीं है? खाना माइक्रोवेव में रख के आई हूँ, बस खाऊंगी, मुझे लग ही रहा था भूखी आ जाएगी के लिए। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं घर के लिए और खाना खाते हैं और इसको चाय पिलाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। चल तो हाय तो करते हैं बस सबको। बस अभी आ गई हूँ घर पे और अब चेंज करते हैं और अपनी चाय बनाते हैं और खाना खाते हैं। रात के बज चुके हैं 10:12 और सुबह से 6 से 10 बजे तक का मेरा स्केड्यूल आप देख सकते हैं कितना पैक्ड अप रहा। थक गए, बहुत ज्यादा थके, बट तो फिलहाल ऐसा करते हैं इस ब्लॉग को अब यहीं खत्म करते हैं।